ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस चक्रधरपुर के शांति नगर मैदान में क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई। मुख्य अतिथि थाना प्रभारी सह पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर कुमार मौजूद हरी झंडी दिखाकर क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। पुरुष वर्ग में 8 किलोमीटर एवं महिला वर्ग में 6 किलोमीटर की दौड़ आयोजित हुई। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए चयनित कुमार डुगी प्रखंड की एथलीट बसंती कुमारी और प्रथम जनजाति राष्ट्रीय खेल महोत्सव ओडिशा में एथलेटिक्स के 800 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली हीरामुनि दिग्गी को किया गया सम्मानित। खबर विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक संघ द्वारा चक्रधरपुर के शांति नगर मैदान में क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें पुरुष एवं महिला वर्ग ने शिरकत की। पुरुष वर्ग में 8 किलोमीटर एवं महिला वर्ग में 6 किलोमीटर की दौड़ आयोजित हुई। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में थाना प्रभारी सह पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर कुमार मौजूद थे। अतिथि के रूप में गौरी महतो मौजूद थी। क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का संचालन समाज सेवी पूर्व सैनिक दया सागर केराई और संघ के महासचिव अजय नायक ने किया। क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। पुरुष वर्ग में 8 किलोमीटर में प्रथम अरविंद महतो सोनुआ, दूसरे स्थान पर इलियास पूर्ति बंद गांव, तीसरे स्थान पर कुष्णु जारिका सोनुआ, चौथे स्थान पर रमेश बानरा चाईबासा, पांचवें स्थान पर आकाश लागुरी टोंटो, छठवें स्थान पर पुरुषोत्तम अंगारिया चक्रधरपुर रहा। इस प्रकार क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता महिला वर्ग में 6 किलोमीटर की दौड़ में प्रथम सुजाता पूर्ति चाईबासा, दूसरे स्थान में सोनी कुमारी गोप चक्रधरपुर, तीसरे श्वेता कांडेयांग, चौथा स्थान सोमवारी मुंडारी चक्रधरपुर, पांचवा स्थान अंकिता महतो चक्रधरपुर, छठा स्थान सनम बारला खुंटपानी रही। सभी को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार एवं अन्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर शांति नगर मैदान में क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता समारोह में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए चयनित कुमार डुगी प्रखंड की एथलीट बसंती कुमारी और प्रथम जनजाति राष्ट्रीय खेल महोत्सव ओडिशा में एथलेटिक्स के 800 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली हीरामुनि दिग्गी को मुख्य अतिथि पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार के हाथों सम्मानित किया गया। जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम को आयोजित किए हैं और बच्चों को प्रेरित किए हैं। आप सभी के सामने चीन में जो एथलेटिक्स में भाग लेने जा रही है बसंती, और यहाँ पर खेल कर कांस्य पदक जीत चुकी हीरामुनि दिग्गी, ये अभी आई हुई है। इन सब से आप सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने जीवन में यह खेल जो है हमें आगे बढ़ने का, कंपटीशन करने का, एक दूसरे से आगे निकलने का जो है प्रतिस्पर्धा करने का शक्ति और साहस देता है। आप सभी आज यहाँ पे हैं, कल आप सभी इसी प्रकार से अगर प्रयास करते हुए ओलंपिक में कहाँ तक जा सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में एक से एक ओलंपिक में या अन्य खेलों में जो युवा है वो निखर रहे, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जेवलिन हो, जिसमें अभी नीरज चोपड़ा, तो जो प्रतिभागी है इस खेल के माध्यम से अपने शरीर का विकास, शरीर के स्वास्थ्य का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, आप अपने कैरियर का बहुत अच्छा, पढ़ाई में इसके द्वारा जो है अच्छे अच्छे स्कूलों में या क्या बोलते हैं उसे, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें इसके द्वारा जो है बहुत सारे आपको आयाम मिलते हैं जिसमें आप अपने कैरियर मतलब पूरे जीवन के व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। तो पहले जो कहा जाता था कि खेलने कूदने से खराब होता है, वैसा नहीं है। इसमें अगर आपका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा तो एक झटके में आपको मेडल मिलता है और एक झटके में आपका जीवन तुरंत ही बदल जाता है। तो आप सभी जो प्रतिभागी हैं, हम चाहेंगे आप सभी प्रतिभागी एक बार अपने लिए, सभी लोगों के लिए तो बजाय है लेकिन एक बार आप अपने लिए ताली बजाइए और अपने जोश को हमेशा बुलंद रखें। यहाँ पे जो यह प्रतियोगिता हुई है इसमें 1, 2, 3 जो मेडल मिलते हैं या ये मिलते हैं वो 3 के लिए ही मिलते हैं, लेकिन उसके लिए और मेहनत करने का जज्बा 300, 30, 50, 100 बहुतों को मिलता है। तो वह
तीन आदमी को देख के और हम सभी को जो नहीं वैसा ले पाते हैं उनको यह सोचना चाहिए कि अब अगली बार यह कप या वह मेडल मेरा होना चाहिए और उसके लिए पूरे एक साल काफ़ी अच्छा प्रयास करना चाहिए और इसी से हमारे अंदर में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना जागृत होती है। बस आज के लिए इतना है। आप सभी के उज्जवल भविष्य और